फ्रेंड्स, आई एम पंकज सीमा एंड यू आर वॉचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वॉलेंट्री होता क्या है। वॉलेंट्री के जो फर्दर तीन इंग्रेडिएंट है, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, इनको देखेंगे और साथ में मोटिव को देखेंगे। और इनको जब हम समझेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो एक मैगजीम है, लीगल मैगजीम, जो लैटिन मैगजीम है, वो है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। तो इसका मतलब है एन एक्ट विदाउट गिल्टी माइंड इज नॉट एन ऑफेंस। तो ये जो मैगजीम है, ये इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस बताते हैं कि इसने ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक साइड एक्टस रियस मतलब कि एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और दूसरी साइड रख दिया मेंजरिया मींस गिल्टी माइंड। तो कोई भी ऑफेंस होगा तो उसमें दोनों होने जरूरी है। तो आज हमारा मेन फोकस होगा मेंजरिया के ऊपर, और मेंजरिया के ऊपर भी कहां वॉलेंट्रीनेस, जो मेंजरिया को शो करती है आईपीसी के अंदर। तो जो ये वॉलेंट्री है, इसको डिफाइन कहां किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी में सेक्शन 39 में। तो ये जो डेफिनेशन है, ये बताती है कि कोई भी चीज वॉलेंट्री तब होगी जब उसमें इंटेंशन हो, या रीजन टू बिलीव हो, या नॉलेज हो। इन तीनों में से एक भी होगी तो वो चीज क्या होगी? वॉलेंट्री होगी। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन में देखें तो ये तीन मेन चीज है, और साथ में एक मीन्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या मीन्स इंप्लॉयड करे हुए हैं, किस माध्यम से आदमी ने काम किया हुआ है। तो मीन्स जनरली होता क्या है कि मीन्स होता है कि जो कंडक्ट थी एक्यूज्ड की, या फिर जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस थे, वो क्या बता रहे हैं। तो ये जो टोटल थी एक्यूज्ड की कंडक्ट, और कहते हैं सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस, ये मिलकर बता रहे हैं कि उसने कौन सा मीन्स इंप्लॉयड करा कोई क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए। तो उसने, उसकी इंटेंशन थी क्या, उसकी रीजन टू बिलीव थी क्या, उसकी नॉलेज थी। तो ये सब कुछ कहां से पता चलेगा हमें? मीन्स इंप्लॉयड बाय द एक्यूज्ड। तो वर्ड वॉलेंट्री है, तो ये वर्ड वॉलेंट्री है जनरली प्रॉपर्टी ऑफेंस में यूज किया गया है, क्योंकि वहां पे हम तीनों को इक्वली ही मानते हैं, इंटेंशन को, नॉलेज को, एंड रीजन टू बिलीव को। तो वहां वॉलेंट्री वर्ड यूज किया गया है। पर जहां पे बॉडी ऑफेंस आता है, तो वहां पे क्या होता है कि वॉलेंट्री की जगह तीनों को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। इंटेंशन को अलग किया हुआ है, नॉलेज को अलग किया हुआ है, और रीजन टू बिलीव को अलग किया हुआ है। क्योंकि सबका ना ग्रेविटी ऑफ जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वहां पे जब इंटेंशन होगी तो हायर पनिशमेंट है, तो वहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट और या 10 साल। तो वही कहते हैं, अगर नॉलेज होती तो उसमें क्या है कि 10 साल और फाइन, मतलब इतना लेवरेज है, और फाइन तक आ गई है बात। तो अब हम समझते हैं इंटेंशन होती क्या है। इंटेंशन को अगर देखा जाए तो माइंड की सबसे हाईएस्ट डिग्री बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी है, उसकी डिजायर होती है किसी काम को करने के लिए, डिजायर, इंटेंशन उसकी डिजायर है उस कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचने के लिए। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, उसको पता है ये काम करूंगा तो इससे होगा, और उसकी डिजायर है कि उसको करना ही है ये काम। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, किसी आदमी के सर पे लाठी मारी तो उसका क्या होगा, सर फट जाएगा, उस पर फ्रैक्चर भी आ सकता है। पर वही उसने 10-15 बार लाठी मारी ताकि वो बंदा मर जाए, तो वहां पे क्या है, उसकी डिजायर बता रहा है कि एक इसको प्रोड्यूस, एक कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे गन है, गन को सीधा यहाँ पे हेड पे करके मारा, एम करके मारा, तो क्या है कि उसकी डिजायर बता रहा है कि वो जो मीन्स है वो ये बता रहे हैं कि इसकी डिजायर है, इसको कहते हैं काम करना है, इसको मारना ही था। वही हाथ में मारे तो दूसरी इंटेंशन होगी, उसको सिर्फ क्या इंजरी करना था। या कभी भी वो आदमी है, जब भी कोई आदमी कुछ काम करता है, जब विद इंटेंशन करता है, तो कैजुअली नहीं करता, वो कुछ क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा कि उसको काम को प्रोड्यूस कर, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर किसी को मारना है तो एक्स्ट्रा श्योर होगा कि 2-3 लाठी एक्स्ट्रा मारेगा ताकि पता चल जाए हाँ मर गया, या 2-3 गोलियां एक्स्ट्रा मारेगा, या बिल्कुल वाइटल ऑर्गन पे मारेगा कि जो पर्टिकुलर जो है इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होए। तो इसका टेस्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होता है कि दूसरों को क्या लगे, कि दूसरे उसको देख के, अगर मैं एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन होता तो वो देख के क्या बताता कि क्या इस आदमी की इंटेंशन थी इसको मारने के लिए या नहीं थी। फिर दूसरा आ जाता है मोटिव। मोटिव और इंटेंशन को लोग थोड़ा सा सिमिलर समझते हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। मोटिव क्या होता है कि क्यों, रीजन वाई, उसने करा क्यों है, हाउ ही डन इट, ये होता है हाउ ही डन इट का मतलब ये हो गया इंटेंशन का, पर वाई ही डन इट ये क्या हो गया, मोटिव। तो जनरली अगर हम देखें मोटिव क्या है कि रेलेवेंट
एक रेलेवेंसी का काम करता है, जैसे सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां एक रेलेवेंसी का काम करता है कि ये क्या है कि जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, जैसे आरुषि का केस था, तो वहां पे कहते हैं एक चेन ऑफ सर्कमस्टांस को कंप्लीट करने के लिए काम आएगा, पर ये इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस नहीं, ये मेंजरिया नहीं बनता है कभी भी। तो इसका क्या होता है कि ये एक हेल्पफुल होता है किसी की गिल्ट प्रूव करने के लिए, बट असेंशियल नहीं होता। इसके लिए केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, तो इसमें क्या बोला था कि मोटिव है नेसेसरी नहीं है प्रूव करने के लिए। इस केस में क्या था, एक नौकर ने घर के घर में चार सदस्य थे, तीनों को तो मार दिया, एक बच गया था, तो वहां पे उसका मोटिव नहीं प्रूव कर पा रहे थे, तो वो इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑफेंस, तो इसलिए इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है कि फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस या अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, किसी आदमी को पता है कि इस चीज से ये हो जाएगा, अगर मैं अपना फोन नीचे छोड़ दूं तो ये है कि हाँ शायद ये टूट जाए, अगर यही उसको अगर मेरी इंटेंशन होती उसको तेज मारता तो क्या होता कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया तो इंटेंशन होगी। तो नॉलेज में क्या है कि सिर्फ उसको क्या है कि अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस है। अब इसका एक एग्जांपल क्या है कि अगर मैं जैसे कोई क्राउड है वहां पे कहते हैं लोडेड गन चला दूं, तो मेरे को क्या है कि पता है शायद से कोई आदमी मर सकता है इससे। तो नॉलेज में क्या होता है कि जनरली हर आदमी है ना अपनी जो एक्ट है उसके बारे में उसको जनरली पता होता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। और जब भी इंटेंशन क्या होती है, ग्रेवर होती है, हाईएस्ट होती है, इंटेंशन से थोड़ा सा नीचे क्या आ जाती है, नॉलेज आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इंटेंशन में क्या होती है कि सजा कम होती, इंटेंशन में सजा ज्यादा होती है और नॉलेज में सजा कम होती है। और जब भी इंटेंशन वाली कोई बात आती है कि आदमी क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा उसको काम को पूरा करने के लिए, पर वहीं अगर हम नॉलेज में देखेंगे तो कैजुअली करेगा वो। और इंटेंशन है कभी भी प्रज्यूम की जा सकती है, इंटेंशन है प्रज्यूम कर ले, इंटेंशन सॉरी कभी प्रज्यूम नहीं करते, पर नॉलेज को हम प्रज्यूम कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी, उसमें क्या है कि अगर कोई बंदा वॉलेंट्री ड्रिंक कर रहा है और उसने कोई काम कर दिया तो उसमें क्या कर लेंगे, नॉलेज तो उसकी प्रज्यूम कर ही लेंगे, इंटेंशन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो इंटेंशन को कभी हम प्रज्यूम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आ जाता है रीजन टू बिलीव। इसको डिफाइन क्या करा, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी। तो जहां पे एक पर्सन उसको सफिशियंट कोज है किसी बिलीव को, किसी चीज पे बिलीव करने के लिए, तो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है कि उसको सफिशियंट कोज दे रही है ये चीज हो भी सकती है, तो इसका टेस्ट क्या है कि सफिशियंट कोज क्या है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, कोई आदमी आया मेरे पास रात को आया कि भाई मेरे को मेरे पास गोल्ड है जो आज के टाइम में 60,000 पर तोला है, तो वही आदमी मेरे को कह रहा है भाई 20,000 में ले लेना, मेरे को काम है, मेरे को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आएगा कि मेरे को 20,000 में क्यों दे रखा है, अभी गोल्ड तो एक ऐसी कमोडिटी है कहीं भी कैसे भी बेच सकते हो आप। तो क्या हो सकता है कि रीजन टू बिलीव हो सकती है, भी कहते हैं इसने ये चीज स्टोलन तो नहीं है ये, ठीक। तो ये क्या होती है कि जो रीजन टू बिलीव होती है ना, इसमें क्या होता है कि ये नॉलेज से तो थोड़ा सा नीचे होता है और जो सस्पिशन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये बीच का होता है। तो अगर हम देखें कि जो नॉलेज है एक्यूज को है ना डायरेक्टली पता है अभी सब्जेक्ट मैटर क्या है या विक्टिम का क्या है, इस चीज से ये होगा, पर जहां पे रीजन टू बिलीव होगी तो उसको डायरेक्टली नहीं पता, पर उसको एक सफिशियंट रीजन होगी कुछ सराउंडिंग सर्कमस्टांस को देख के, मींस को देख के, कि शायद ये चीज हो सकती है, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट माइंड के मन में डाउट आ जाएगी शायद ये चीज हो सकती है। तो अगर हम तीनों को समझने की कोशिश करें विद एग्जांपल, इनको कंपेयर करें हम, इंटेंशन का क्या होगा कि जैसे कोई बुश के अंदर कोई आदमी घुसा हुआ है, मुझे पता है कि इसके अंदर कोई आदमी है, अब मेरा मेरे को क्या है कि उस आदमी को मारना है, तो मैं पूरा एम करूंगा और 2-3 गोलियां चला दूंगा इसमें ताकि वो मर जाए। तो यहाँ पे क्या कि मेरी इंटेंशन है उसको मारने की, अगर वही मुझे ये नहीं पता कि कोई आदमी है कि नहीं है, मुझे ना मैंने उसको जाते हुए देखा या कुछ, बस क्या हुआ कि मेरे को वहाँ बुश के पीछे से ना श्योर नहीं हुआ 100%, पर फिर भी है कि आवाज आ रही थी, पीछे कोई हंस रहा था, वो फोन पे बात कर रहा था, उसके स्लीपर्स पड़े हैं बुश के पास। तो अब मेरे को क्या है कि उसको मारने की क्या है कि कैजुअली मार दिया, अभी उसके लगे चाहे ना लगे, पर मुझे पता है कि अगर लग गई तो मर भी सकता है, तो कैजुअली मार दिया कि मेरी इंटेंशन नहीं थी पूरी प्रॉपर उसको मारने के लिए, वरना इंटेंशन होती क्या मैं करता एक्स्ट्रा एफर्ट करता कि 2-3 गोलियां चलाता इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ताकि वो बचे ना, पर यहां मैंने कैजुअली चला दी। और रीजन टू बिलीव, वहां पे सिर्फ मेरे को एक बार आवाज सुनी और साथ में स्लीपर लगे, तो कहीं ना कहीं एक मन में है ना सफिशियंसी आ गई कि शायद से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
तो मैंने क्या करा, चला दी वहां पे, तो वहां पे क्या हुआ फिर, वो हो गया रीजन टू बिलीव। तो तीनों में डिफरेंस ये है, पर जो रीजन टू बिलीव है ये कभी भी यूज कहां नहीं करते हम जनरली इसके अंदर, बॉडी ऑफेंस के अंदर, पर हम प्रॉपर्टी ऑफेंस के अंदर इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे वर्ड वॉलेंट्री यूज होता है। इसको क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना नेग्लिजेंस के साथ भिड़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।